जानता था कि ऐसा ही होगा। आन गई शान गई, अब जान भी जाएगी। भागो। ये पहाड़ी चूहे अपने बिन में घुसे, इसके पहले ही कुचल दो सबको। यलगार हो। इस विशाल मुगल सेना को इस छोटे दर्रे में आकर फंसा ही दिया। एक काम करो, कतार बनाकर तीन तीन करके निकलो इसमें से। चलो। ये तो वही मिसाल हुई कि जब सियार की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, और जब भीड़ की मौत आती है तो वो संकरे दर्रे की तरफ भागते हैं। वो जिल है ये भील एक दर्रे के, हम भी देखते हैं जब तक बचते ही हमसे। अब इस संकरे दर्रे को अपनी ढालों से दीवार बनाकर रोक लो। आओ। दीवार तो बन गई सरदार, अगर इससे होगा क्या? ये लोग इतने सारे और हम मुट्ठी भर। ये संख्या में चाहे जितने भी हो, लेकिन इस संकरे दर्रे में आएंगे दो दो चार करके। अब समझा बाप जी, आप हमें क्यों भगाकर यहाँ लेके आए हैं? ताकि अब ये मुगल एक एक करके आए और हम बड़ी ही सरलता से इनका सामना करें। सब जानते हो ना, जब ये मुगल सैनिक इस संकरे दर्रे में आएंगे तो क्या करना है? या खुदा, ये बुजदिल भील तो मौत का कहर बन रहे हमारे लिए। लाही लाही, ये क्या हो रहा है? फौरन एक काम करते हैं, इन लाशों को हटाकर हम भी इन भीलों के मानिंद इंसानी दीवार बनाते हैं। इन भीलों की दीवार को हम अपनी इंसानी दीवारों से कुचल कर रख देंगे। ये तो मुट्ठी भर है, लेकिन इनके मुकाबले हमारी तादाद कई ज्यादा है। बनाओ दीवार जल्दी से।
ये तो हमारी चाल की नकल करके दीवार बना रहे हैं। अब क्या करना है? बनाने दो, ये अपनी दीवार से धक्के देकर हमें जितनी दर्रे के अंदर आ सकते आने दो। इससे आखिर होगा क्या? पहाड़ पे जल्दी जल्दी कौन चढ़ सकता है? जल्दी बोलो। आधे आधे पहाड़ पर चढ़ जाओ, जाओ। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, नीचे आइए। अमर सिंह जी, आपके पैर जल जाएंगे। अमर सिंह जी, आप हमारी बात सुनिए। आप हमारी एकाग्रता का भंग कर रही है। हे भगवान, अब क्या कर? आइए नीचे उतरिए अमर सिंह जी, आइए। आपने ऐसा क्यों किया? हमने मां के शोक के तुरंत बाद वाले युद्ध के लिए ये सब सहन शक्ति किया था, वरना हम कैसे हराएंगे उन मुगलों को? बिना बात जब चाहे आप हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करती है? इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम एक ही, जब तक आपके दाजी राज लौट कर नहीं आ जाते, आपका ध्यान रखना। अब आपको क्या पता आपके भांति भांति के ये खतरनाक काम कितने जानलेवा हो सकते हैं? हमारी रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है, और फिर आप इसी बात को लेकर क्यों भिड़ी हुई है कि कहीं हमें चोट क्यों ना लग जाए युद्धभूमि में? कैसी शत्रुणी आप? अमर सिंह जी, आप जिन वीर सैनिकों की बात कर रहे हैं, बहुत शीघ्र ही उन्हें मारवाड़ से सैन्य सहायता मिलने वाली है। आपके नाना जी स्वयं चुने हुए सैनिकों के दस्ते भेजे मारवाड़ से। माय नाना जी बिजोलिया के राजा राम अमृत जी बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं। हम आपकी छोटी माँ के दशराज मारवाड़ नरेश की बात कर रहे थे, वो भी तो आपके नानों से ही हुए ना। और यदि सैन्य सहायता नहीं आई तो? कि हमने तो सुना है कि हुआ तो आपको कुछ खास चाहते ही नहीं है। अमर सिंह जी, समय के साथ साथ हम सबके एक दूसरे के लिए विचार बदलते रहते हैं, और हमारा विश्वास इस समय हमारे लिए भी उनके विचार प्रेम और वात्सल्य वाले ही होंगे। और हाँ, हमने उन्हें पत्र भी लिखा जिसमें हमने उन्हें यहाँ की सारी स्थितियों से अवगत करवाया, फिर भला क्यों नहीं भिजवाएंगे वो हमें सहायता? अब क्या कर रहे हो? मेवार के लिए, राणा जी के लिए, अमर सिंह जी के लिए भेज दीजिए सैन्य सहायता। दाजीराज, अन्यथा इन सबकी दृष्टि में हम बहुत छोटे बन जाएंगे, बहुत छोटे। उस मुगल ने नीचता की हर सीमा लांग दी, ऐसी घिनौनी चाल। दाजीराज, इस समय अपने क्रोध को यही दबा कर रखिए और उसे रणभूमि में मुगलों का सर कुचलने के लिए निकालिए। क्या स्थिति है अब? क्या हम किसी रणनीति से चल रहे हैं? इस समय पूंजा जी अपने कुछ बहादुर भीलों के साथ मुगलों की विशाल सेना से घमासान युद्ध कर रहे हैं। चुंडावत जी और चंद्रसेन मारवाड़ के लिए निकल चुके हैं, राम सिंह जी से अनुरोध करने के लिए कि वो हमारे पक्ष में अपनी सेना भेजकर मुगलों से लड़ने में हमारी सहायता करें। हमें पूंजा जी और उनके साथियों की चिंता हो रही है। हम आशा करते हैं कि पूंजा जी की सहायता के लिए हाकिम खान शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। हमें शीघ्र अति शीघ्र उदयपुर पहुंचना ही होगा। तेज चलो साथियों, और तेज चलो। अब हम अपने भील भाइयों से ज्यादा दूरी पे नहीं हैं। जितना ज्यादा हमें वक्त लगेगा वहां पे पहुंचने में, उतनी ही ज्यादा जाने कुर्बान करनी पड़ेगी हमारे भील भाइयों को।
पार। शाबाश मुल्तान खान, क्या चाल चली है, मजा आ गया। बाप जी, ये तो हमारे बहुत वीर भाई मर रहे हैं। मैं अपने इन वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। देखा भीलो, निकल गई ना तुम्हारी हेकड़ी, तुमको तुम्हारी ही चाल से मारते रहे हम। सरदार, आपने तो कहा था कि हाकिम खान अपने तोपों और सिपाहियों के साथ हमारी मदद करेगा, कहाँ है वो? सरदार, मेवाड़ियों ने हमारे साथ धोखा किया है, हम बेमौत मर रहे हैं। सरदार, हम बेमौत मर रहे हैं। धर्म काका, यदि आपको इतना भय लग रहा है तो जाके बैठ जाइए औरतों और बच्चों के साथ जंगल में। मेवाड़ के साथ साथ आपको भी बचाने के लिए अपने प्राण दे देंगे हम। आपको महादेव की सौगंध है, इस समय कायरतापूर्ण बातें करके हमारा उत्साह मत भंग कीजिए। मुगल चाहे 20,000 हो चाहे 40,000, जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम तब तक लड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम सिंह जी, हमारी कुछ बात करने से पहले आप इतना समझ गए होंगे कि हम यहाँ आपको मुगलों का साथ देने की सलाह देने के लिए आए हैं। हमारी सलाह को आप मात्र अकबर का दबाव ना समझे। यदि आपकी अनुमति हो तो हम इस विषय पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। भगवान दास जी, आपको जो कहना है अपनी बात को खुलकर कहें। आप तो जानते ही हैं कि हम आपकी समझदारी के सदैव कायल रहे हैं। हमें पता चला है कि मेवाड़ ने मारवाड़ की मंडियों से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज खरीद लिया है ताकि वो अपने शत्रु के साथ लंबे समय तक युद्ध कर सके। आपने ऐसा क्यों होने दिया? आपने तो तुरंत इस संभावित युद्ध के पहले ही आपके व्यापारिक और सैनिक संबंध तोड़ लेने चाहिए थे मेवाड़ के। और भगवान दास जी, मेवाड़ अब हमारी बेटी का ससुराल है, संबंधी बन चुके हैं मेवाड़ी हमारे, और कुछ भी करने से पहले हमें फूल के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। फूल के हित में तो सोचना है आपको, इसलिए तो आपको कह रहे हैं कि मुगलों और मेवाड़ के संभावित युद्ध में आपको केवल मुगलों का साथ देना। अब जब हमारी हीर का विवाह शहंशाह अकबर के साथ हुआ तो हमने अकबर के प्रति हमारी शत्रुता पूरी तरह से समाप्त कर दी। यही आपको करना है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में आपकी पुत्री फूल और प्रताप की रक्षा हम करेंगे, किंतु उसके लिए आपको शहंशाह अकबर के साथ संबंध मित्रवत रखने पड़ेंगे। यदि आपने मुगलों का साथ नहीं दिया तो आपको शहंशाह अकबर के क्रोध का भागीदार बनना पड़ेगा। कौन बचाएगा आपको? मेवाड़, मारवाड़? वर प्रताप तो स्वयं अपने पत्नी के वियोग में वन में भटक रहा है। इस समय आपके पास मुगलों को साथ देने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। भगवान दास जी, राजपुताने में राजपूत और राजपूत के बीच कोई दीवार खड़ी करने नहीं देंगे हम उस अकबर को। यदि फिर भी वो ऐसा करता है तो फिर मेवाड़ और मारवाड़ मिलकर समझा देंगे उस अकबर को भली भांति कि ये राजपुताना है और राजपूत कभी भी अपनी मातृभूमि पर किसी मुगल को सहन नहीं कर सकता, चाहे फिर हमारा कोई गद्दार मित्र ही उस मुगल का साथ क्यों ना दे दे, परंतु हम उस मुगल को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने का साहस रखते हैं। भगवान दास जी, चंद्रसेन, चंद्रसेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अकबर भली भांति जानते हैं कि आप पूर्णतः प्रताप का साथ दे रहे हैं। दादा भाई, ये किस सुर में बात कर रहे हैं आप? आप तो बहुत निडर और निर्भीक हुआ करते थे, आपको तो सबसे अधिक अपनी राजपूती आन पान शान का ध्यान रहता था। आज हमारे सामने परीक्षा की घड़ी है जिसमें हमें खरा उतरना ही उतरना है। हमें अकबर के विरुद्ध मेवाड़ का साथ देना है और यही संपूर्ण राजपुताने के लिए उचित है। चंद्रसेन, उचित और अनुचित का अर्थ हम जानते हैं, हमने आपसे पहले भी कहा था
कि सर्वप्रथम हम अपने राज्य और अपनी प्रजा का हित सोचेंगे और उसके लिए हमें किसी से सीखना नहीं है। पर दादा भाई, इस समय राणा प्रताप शोक में है, मेवाड़ शोक में है, हमारी बेटी फूल शोक में है, तो इस समय क्या आप अपने जवाई राणा का साथ नहीं दे सकते? कुंवर चंद्र सेन, आपकी समस्या यह है कि आप प्रताप के साथ रहते रहते उनके प्रशंसक बन गए, और सच्चाई क्या है यह आप देख ही नहीं पा रहे। और सच्चाई ये है कि जिस मेवाड़ के लिए आप अपने दादा भाई को अकबर के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, उस मेवाड़ का अस्तित्व कुछ ही दिनों में सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान दास जी, हम आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए पूरी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पारिवारिक मामले में कृपया करके बीच में पड़ने की कोई चूक ना करें। दादा भाई, ये पत्र फूल ने भेजा है, कृपया करके कोई भी निर्णय लेने से पहले इसे एकांत में अवश्य पढ़ लीजिएगा। अब सोच लिया है, मरूंगा तो इन मुगलों को मार के मरूंगा, कायरों की मौत नहीं, वीर की मौत मरूंगा। हमारे काका को मारोगे? खुद ये भीड़ है कि शैतान के पाप, भागो वहां से। अरे वाह सरदार, इसीलिए इन मुगलों को यहां तक खींच के लाए थे और अपने लोगों को इन पहाड़ियों पर चढ़वाया था। पर अफसोस इस बात का है कि इसके लिए मुझे अपने कुछ प्यारे भीलों का बलिदान देना पड़ा। उन भीलों को भी आप पर उतना ही गर्व हुआ होगा जितना कि मुझे अभी हो रहा है। राणा पुंजा, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है दादा भाई कि पहली बार हमारे प्रयासों से शहंशाह ने युद्ध का मार्ग छोड़ शांति के पथ पर चलने का प्रयास किया है। आपकी मुंह बोली जीजा हीर। इस बार हम किसी के भी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ देंगे। और तेज से तक, और तेज से तक, और तेज से तक, और तेज, और तेज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।